हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत पूरी करने के जानिब गामजन। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओग्रा के साथ ये तय्यून किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18-18 रुपए का इजाफा होगा। हुकूमत का तेज तरीन एक्शन, उधर इजाफे का ऐलान किया, इधर फौरी तौर पर इतलाक भी कर दिया तो आवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया। खुदा रा रहम करो, गरीबों पर रहम करो, खास तौर पर ये जो पेट्रोल पंप पे मजदूरी करते हैं इनसे पूछना की ये शाम को कैसे गुजारा करते हैं। महंगाई इतनी है, कारोबार पहले नहीं है, महंगाई होगी, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। से हर चीज़ को आग लगेगी, हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। सफेद पोश बंदा मर गया, अब हमारा यही हाल है कि इनको खड़ा कर देते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं, बच्चों को भूखा मार देते हैं। पहले ही आवाम तकरीबन मर चुकी थी, इन्होंने एक और पहाड़ गिरा दिया। कोई महंगाई तो है नहीं, क्या बढ़ा दिया है भाई। हमारी आवाम इतनी अच्छी है, कभी उठेगी नहीं इंशाल्लाह, ये ऐसी रहेगी और मुल्क भी ऐसी रहेगा। अल्लाह माफ करे, पेट्रोल को तो छोड़ो, जो गरीब लोग हैं, जो आटा चीनी घी का क्या हाल है, क्या करें, तबाह कर दिया इन लोगों ने हमको भी। बाबा पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे, कम करते एक दो रुपए कम करते, बढ़ाते 35-40 रुपए बढ़ाते। दूसरी तरफ हुकूमत ने डीजल फी लीटर ऑयल पर लेवी टैक्स में भी इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 35 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गयी। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी फी लीटर 3.10 रुपए कम की गयी, जबकि मट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी 5.90 रुपए कम की गयी है। तहम पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है।